नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा, माय गार्डन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, मैं आज ये आदि का, जिसे हम सभी परिचित हैं, तरह तरह से इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करना है मुझे कि इसको लगाना कैसे है और उपयोग क्या करना है और इसका ख्याल क्या रखना है। तो दोस्तों, इसकी मिट्टी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी मिट्टी काफ़ी हल्की होनी चाहिए। मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, यानी ड्रेनेज वाली मिट्टी हो। खाद की बात करते हैं अगर, तो इसमें नाइट्रोजन, गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद, इसे हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसकी मिट्टी को अच्छे तरह से बना लेना है और फिर उसमें इसकी खेती करना है। क्यों करना है ये तो हम सभी जानते हैं। इसका तरह तरह से हम लोग उपयोग करते हैं, मसाले के रूप में, सर्दी खांसी में। ये एक तरह से हर्बल प्लांट भी इसको आप कह सकते हैं। ये आप बहुत सारे दवा में उपयोग में आता है, जो च्यवनप्राश हम लोग का बनता है उसमें भी उपयोग आता है। शरीर को गर्म रखने के लिए जाड़े के दिन में ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये आदि का, इसको हम लोग के यहाँ आदि का पौधा बोलते हैं। इसको लगाना कैसे है, खाद क्या देना है, वो तो बातें हो गई। ज़मीन कैसी होनी चाहिए, हल्की फुल्की होनी चाहिए। जुताई कुराई बढ़िया से करके उसमें से बड़े कंकर वगैरह को हटा देना है। मिट्टी हल्की रखनी है, ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज़मीन जो है हमेशा नम होनी चाहिए। तो अब इसको लगाने में हमको देखना है कि कैसे लगाना है। मैं अपने बगीचे में जो ये लगा के रखी हूँ दोस्तों, इसको मैं आपको थोड़ा सा, मैंने इसको अलग करके हटा के रख लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ। अभी ये देखिए, इसमें आदि बैठ रहे हैं। अब यहाँ से मैंने अभी निकाल के रख लिए हैं। इसमें करना ये है कि आपको एक बार में सारे के सारे अगर आपने घर में लगा रखे हैं तो कोई हमें बेचना तो है नहीं, अपने उपयोग के लिए करना है। तो जितनी की आवश्यकता होती है उतना ही मैं इसमें से निकालती हूँ, अब बाकी इसी में अपना रहता है। दोस्तों, अगर इसमें ये लगा रह जाए तो 2 साल तक, 3 साल तक भी इसमें पड़ा हुआ है तो ये सड़ेगा नहीं, ये अपने जड़ के साथ रहेगा। मैंने 2 जगह पर इसको लगा रखी है, एक यहाँ भी मैंने लगा रखी है। यहाँ देखिए इस तरह से। दोस्तों, मैंने जो बात कही थी आपको, वो आदि मैंने ऐसे निकाल के रखी है, इसका मैं उपयोग करूँगी। ये जो ये मिट्टी भी आ गई लगती है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली ये पुरानी है, पहले की है, और ये उसके बाद की है, और ये एकदम ताज़ी ताज़ी नई नई अभी बन रही है। ये देख रहे हैं, अभी बन रही है। इसको भी मैं आपको हटा के दिखाती हूँ क्योंकि ये भी मेरे काम आने ही वाले हैं। इसको ऐसे करके इसको तोड़ लेना है, जितना ज़रूरी है उतना हम तोड़ लेते हैं। जैसे थोड़ी और ज़रूरत है तो थोड़ी और तोड़ लिए, इस तरह से इसको तोड़ के रख लिए और इसका उपयोग हम अपना अपने अनुसार इसका उपयोग करेंगे। और दोस्तों, जब लगाने की बात आएगी तो इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हो और आप इसको इसमें भी लगा सकते हो, गमले में भी लगा सकते हो। अगर आप ऊपर में हो तो एक गमले में मिट्टी करके ऐसी हल्की मिट्टी को कर लो, एकदम हल्की मिट्टी हो, करे हो, पत्थर हो तो उसको हटा दो। इस तरह से एकदम हल्की मिट्टी कर लो, उसमें थोड़े से गोबर के खाद और थोड़े से NPK भी डाल दे सकते हो, थोड़ा ऑर्गेनिक भी डाल दे सकते हो। ऐसे डाल के आप उसकी मिट्टी को हल्की कर लो। मिट्टी हल्की करने के बाद इसको लेने हैं और इस तरह से इसमें यहाँ यहाँ से इस जगह से इसमें पौधे निकलेंगे। ये हुआ। अगर मान लो इसको मैं खाती नहीं तो भी कोई बात नहीं है, ढेर सारे निकल गया और खाना नहीं है, तो इसको इसमें रख के मैं मिट्टी के नीचे ऐसे करके दबा दूंगी और इसमें ये खड़ा भी नहीं होंगे, फ्रीज के काम करेंगे मिट्टी मेरे। इस तरह से मैं इसको इसमें दबा दूंगी, ऐसे करके दबा दूंगी।
इस तरह दबा कर इसको ऊपर से मिट्टी ऐसे करके डाल दूंगी, ऐसे ऐसे इसको मिट्टी मिट्टी इसकी हल्की होनी चाहिए, ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, तभी हमारे इसमें आदि बैठ पाएंगे। और पानी इसको नमी इसको बराबर मिलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नमी इसकी कमी हो जाए। देख रहे हैं यहाँ थोड़े से दिख रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से हमको इनको ढक देने, इस तरह से अच्छी तरह से ढक देने, इस तरह से ढक देने, ऐसे ऐसे करके हल्के हाथ से इसको थपथपा दें। और दोस्तों ये जो मैंने आदि निकाली यहाँ से और अब इसको मुझे काम नहीं है, तो यहाँ भी मिट्टी डाल के इसको मुझे ढक देना है, तभी ये बढ़ेंगे, तब ये इस तरह से बढ़ते रहेंगे। इसको मैंने इस तरह से यहाँ ढक दिया। ये एक पुरानी वाली है, पुरानी मतलब जो मैंने बहुत पहले जिसको लगाई थी, अब क्या हुआ है कि ये अब समाप्त हो गया। अब ये ऐसे मैं हाथ से करके दिखाती हूँ, देखिए ऐसे खाने में ये भी अभी काम चल जाएगा, लेकिन ये अब इसके बीच के जो मटेरियल थे वो सारे के सारे पौधा बनने में समाप्त हो गए। तो ये पुराने वाले हैं, ये 2 साल तक अंदर में रह जाते हैं, ज्यों का त्यों रह जाते हैं, और इनको निकाल के हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको चाहें तो ज़मीन में या गमले में जहाँ भी चाहें वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत देखने में भी प्लांट होते हैं और तरह तरह से उपयोग हम लोग करते हैं। सब्जी का स्वाद तो ये बहुत बढ़ा ही देते हैं, मीट वगैरह खाने वाले इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये आदि के पौधे का के बारे में जो कुछ भी मुझे जानकारी थी उसे मैंने शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखते रहें, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, और बच्चों को प्यार, जय हिंद।